बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद ज़हीर एंड वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज़। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एरिया ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। फर्स्ट वी शुड नो दैट व्हाट इज़ अ पॉलीगॉन। अ पॉलीगॉन इज़ बेसिकली अ फ्लैट ज्योमेट्रिकल शेप विद मल्टीपल नंबर ऑफ साइड्स। सो शेप विद थ्री नंबर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड ट्राइंगल, एंड दैट ऑफ विद फोर is a quadrilateral. It may be regular, irregular, and with number of 5, 6, 7, 8 are called pentagon, hexagon, heptagon, octagon respectively. So हमारे पास एक hexagon है, 6 number of sides हैं इसकी, ठीक है, और ये regular है। तो इसमें हमारे पास जो एक side है इसकी dimension हमें given हो सकती है, और इसकी dimension का हम nomenclature define करते हैं, it is S, ठीक है। और ये एक इंस्क्राइब्ड हेक्सागोन है। इस सर्कल के सेंटर से लेकर हम बेसिकली इसका एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसका एरिया कैलकुलेट करना जो है वो डिफ़िकल्ट है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसके सेंटर से लेकर इसके कॉर्नर्स तक हम कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, और हम इस शेप को ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं, ताकि इसका एरिया कैलकुलेट करना हमारे लिए इजी हो जाए, क्योंकि ट्राइंगल जो है एक सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि हम इस एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं, फिर हम इसको नंबर ऑफ ट्राइंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह हमारे पास टोटल इस हेक्सागोन का, पॉलीगोन का, ये इस शेप का एरिया आ जाएगा। तो हमारे पास जो एक ट्राइंगल का एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पर हमारे पास जो बेस है ये एस है, और पॉलीगॉन में पॉलीगॉन के सेंटर से लेकर जो उसकी साइड होती है उसके ऊपर जब परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, यानी कि इस चीज़ को एपोथम कहा जाता है, इसको हम ए से शो कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास बेस इंटू हाइट जो है ये होगा एस इंटू ए, तो 1/2 एस इंटू ए, ये हमारे पास एक ट्राइंगल का एरिया आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ ट्राइंगल से, तो ये हमारे पास एन है, तो इस तरह हमारे पास ये इस शेप का एरिया आ जाएगा। आप इसी फॉर्मूला को इस तरह लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए इंटू एस इंटू एन। तो एस इंटू एन अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास साइड है, और एन जो है हमारे पास 6 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं, और नंबर ऑफ साइड्स भी 6 हैं। तो इसका पेरीमीटर अगर आप कैलकुलेट करना चाहें, जैसे मैंने आपको स्क्वायर में और इक्विलेटरल ट्राइंगल में बताया था, तो ये आपके पास होगा एस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ साइड्स। तो ये आपके पास बेसिकली पेरीमीटर है एस इंटू एन। तो आप इसको कह सकते हैं कि एरिया इज इक्वल टू 1/2 एपोथम मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर, ओके। अब यहाँ पर आपको एक साइड गिवन हो सकती है, अगर आपको एक साइड गिवन होगी तो आप उसको नंबर ऑफ साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा, और उसके बाद आपको एपोथम फाइंड करना पड़ेगा। अगर आपको गिवन नहीं है तो एपोथम आपको फाइंड करना पड़ेगा, अगर तो गिवन है फिर आप यहाँ पर जस्ट आप प्लग कर देंगे और यह आपके पास एरिया आ जाएगा। अब अगर आपको एपोथम गिवन ना हो तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। एपोथम हमारे पास होता है डायमेंशन ऑफ वन साइड एस डिवाइडेड बाय 2 10 180 डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ पर एस जो है हमारे पास एक साइड की डायमेंशन है, 2 10 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 180 डिवाइड बाय एन जो है ये नंबर ऑफ साइड्स हैं। इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 6 हैं हमारे पास। अच्छा, तो इसके अलावा हमारे पास एक और फार्मूला है जिससे हम किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का एरिया फाइंड कर सकते हैं इनडिपेंडेंट ऑफ एपोथम, यानी इस सेंटर से लेकर यहाँ तक इधर इधर या इधर, जो हमें परपेंडिकुलर की डायमेंशन फाइंड करनी होती है उससे इनडिपेंडेंटली हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉलीगॉन का हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो हमारे पास जो फार्मूला है वो है एन डिवाइडेड बाय 4 इंटू वन साइड हमारे पास यहाँ पर ए है, ठीक है, ए का स्क्वायर इंटू कॉट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 180 डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके पास इस पेंटागॉन का, हेक्सागॉन का, या जो भी नंबर ऑफ साइड्स हैं उसका आपके पास एरिया आ जाएगा।
तो हम कोशिश करते हैं कि हम इस फॉर्मूले को शॉर्ट करें, रिड्यूस करें, ठीक है, इन्हीं नॉमनक्लेचर्स के साथ। तो यहाँ पर अगर आप एक साइड की डायमेंशन जो ए है इसको पुट ना करें, ठीक है, जस्ट अब क्या करें कि आप इसको सिंपलीफाई कर दें फार्मूले को, तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरह बन जाएगी कि हमारे पास ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू, क्योंकि पेंटागोन में हमारे पास नंबर ऑफ साइड जो है ये 5 है, तो 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू एक साइड का स्केयर इंटू कॉट 180 डिवाइडेड बाय एन, तो 180 डिवाइडेड बाय 5 ये हमारे पास 36 आता है, ठीक है। तो कॉट जो है वो बेसिकली आप लिखेंगे 1/10 36। तो इस तरह ये आपके पास जो है 5 डिवाइडेड बाय 4 करने से 1.25 आएगा, ठीक है, 1.25 इंटू एक साइड का स्केयर, और कॉट 36 को आप 1/10 36 भी कर सकते हैं ऑन योर कैलकुलेटर फॉर योर कन्वीनियंस, ठीक है। तो इस तरह आपके पास जो है ये वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास 1.376 आता है, 1.376। तो अब आप इस 1.376 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 1.25 के साथ, तो आपके पास जो है 1.72 मल्टीप्लाई एक साइड का स्क्वायर, ये आपके पास पेंटागॉन के एरिया का फॉर्मूला आ गया। आपके पास कोई भी रेगुलर पेंटागॉन हो, आप क्या कीजिए उसकी एक साइड को 1.72 और एक साइड का स्क्वायर कर दीजिए, तो आपके पास इस शेप का एरिया आ जाएगा। आप कोई भी यहाँ पर डायमेंशन एज्यूम करके आप इसको चेक कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास हेक्सागोन है, फॉर्मूला सेम है, एन डिवाइडेड बाय 4 इंटू एक साइड का स्क्वायर कॉट 180 डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो 6 हैं, तो हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 4 जो है ये 1.5 होता है, एक साइड का स्क्वायर कॉट 180 डिवाइडेड बाय एन। तो कोटेंजेंट 180 डिवाइडेड बाय 6 जो है ये हमारे पास 180 डिवाइडेड बाय 6 हमारे पास 30 आ जाएगा, ठीक है, तो कोटेंजेंट 30। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए कि आपके पास जो है 1/10 30 किसके इक्वल होता है, ये आपके पास होता है 1.732। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय वन साइड का स्केयर 1.732। अब आप इस इन दो कॉन्स्टेंट नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2.598। तो हेक्सागोन का एरिया होगा 2.598 इंटू एक साइड का स्केयर। बिल्कुल इसी तरह यही प्रैक्टिस जो है आप रिपीट करेंगे हेप्टागोन के लिए, जो हमारे पास नंबर ऑफ साइड जिसमें हमारे पास 7 होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी फॉर्मूला यही होगा, ए एन बाय 4 इंटू वन साइड का स्केयर कॉट 180 डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो हमारे पास एन बाय 4 हो जाएगा 7 बाय 4, ठीक है, तो ये आपके पास होगा 7 बाय 4 इंटू एक साइड का स्केयर कॉट 180 डिवाइडेड बाय एन। तो हम 180 डिवाइडेड बाय 7 कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 25.71, 25.71। तो 1/10 25.71 कर दीजिए, तो इस तरह आपके पास जो है 7/4 करने से 1.75 आ गया एक साइड का स्केयर, और ये आपके पास आ गया 1/10 25.71, 2.076, 2.076 मल्टीप्लाई बाय 1.75, 3.63 इंटू एक साइड का स्केयर, 3.63 इंटू एक साइड का स्केयर, ये आपके पास हेप्टागोन का एरिया आ गया, जो कि नंबर ऑफ साइड जिसकी हमारे पास 7 होती है। इस तरह हमारे पास ऑक्टागोन है, ऑक्टागोन का एरिया हमारे पास होता है द सेम इज फॉर्मूला एन बाय 4 इंटू एक साइड का स्केयर कॉट 180 डिवाइडेड बाय एन। और यहाँ से हमारे पास 8/4 2 आ जाएगा, 2 इंटू 1 साइड का स्केयर, और ये आपके पास आ जाएगा कॉट 180
डिवाइडेड बाय आप 8 करेंगे तो ये आपके पास 22.5 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास बेसिकली 1/10 22.5 2.414 आ जाएगा, 2 × एक साइड का स्केयर, और ये आपके पास आ गया 2.414। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपके पास हो जाएगा 4.828 इनटू एक साइड का स्केयर, तो ये आपके पास ऑक्टागोन का एरिया आ जाएगा। तो इसी तरह आप नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स के लिए या नंबर ऑफ साइड्स जितने भी हों आप उसके लिए इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह आपके पास जो है एक कांस्टेंट के साथ एरिया आ जाएगा। तो अब हम ये प्रूव करते हैं कि हमारे पास जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये भी एक पॉलीगॉन है, यानी कि यही एरिया हम इस ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एरिया जो है वो हमारे पास होता है स्केयर रूट 3/4 इंटू एक साइड का स्केयर। ठीक है, या ये हमारे पास होता है 0.433 इंटू एक साइड का स्केयर। ठीक है, तो इसके भी प्रॉपर डेरिवेशन है सिंपल ट्रायंगल से, वो भी इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अब हम इसको पॉलीगॉन के एरिया से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो एरिया का फार्मूला है दैट इज n/4 इंटू एक साइड का स्केयर कॉट 180 डिवाइडेड बाय n। तो n/4 आपके पास आ गया 3/4 विच इज 0.75 इंटू एक साइड का स्केयर कॉट 180 डिवाइड बाय जो नंबर ऑफ साइड्स है हमारे पास 3 हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 60। तो कॉट 60 का मतलब है कि 1/10 60, तो ये आपके पास आंसर आएगा 0.577। यहाँ पे n की जगह आपने नंबर ऑफ साइड्स पुट करनी है पॉलीगॉन में, तो 0.75 × 0.577 ये आपके पास हो जाएगा 0.433 इंटू एक साइड का स्केयर, जैसे कि पहले ऊपर हमने ये डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला आ गया। अब जैसा हमें पता है कि हमारे पास जो स्केयर शेप है इसका जो एरिया है वो हमारे पास होता है एक साइड का स्केयर, तो अब हम देखते हैं ये कैसे होता है। एरिया इज इक्वल टू n/4 इंटू एक साइड का स्केयर कॉट 180 डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स 4 हैं, 4 डिवाइड बाय 4 1 आ जाएगा, तो एक साइड का स्केयर इंटू कॉट 180 डिवाइडेड बाय 4, तो 180 डिवाइड बाय 4 जो है 45 होता है, और 1/10 45 क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से आप 1/10 45 करेंगे 1/1 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 1 इंटू एक साइड का स्केयर, या सिंपली ये आपके पास जो एरिया है ये आ गया एरिया इज इक्वल टू एक साइड का स्केयर। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट जो पॉलीगॉन्स हैं उनके एरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हमारे पास जो रेगुलर या इरेगुलर पॉलीगॉन्स होती हैं उनके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर ये एक हेप्टागोन था और ये ऑक्टागोन है, तो ये इसका क्या है इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो ये एक इंटीरियर एंगल कितना होगा, या अगर हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है टोटल ये कितना होगा, तो उसके लिए हमारे पास एक जनरल फार्मूला है। इसको दो कंडीशन में लिखा जाता है, सर्वेइंग में अलग है और मैथमेटिक्स में इसकी नोटेशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें हमारे पास जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला है वो है n-2 इंटू 180, ये मैथमेटिकल अप्रोच बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ एंगल्स आ जाएगा। अगर आप ईच एंगल फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि आप एक एंगल फाइंड करना चाहते हैं, तो बेसिकली आप क्या करेंगे, इसको नंबर ऑफ एंगल्स पे डिवाइड कर देंगे, तो n-2 इंटू 180 होल डिवाइडेड बाय n, तो ये आपके पास एक एंगल आ जाएगा। ये मोस्टली रेगुलर पॉलीगॉन्स के लिए होता है, और इरेगुलर पॉलीगॉन्स के लिए हम सर्विंग में एक फार्मूला डिस्कस करते हैं। बेसिकली वो भी यही फार्मूला है, अगर आप इसको 2 इंटू 90 करें और 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें
तो आपके पास जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है ये आपके पास आ जाएगा 2n माइनस 4 इंटू 90, ठीक है। तो ये आपके पास सम ऑफ एंगल्स आ जाएगा। और अगर आप एक एंगल फाइंड करना चाहते हैं तो बिल्कुल उसी तरह 2n माइनस 4 इंटू 90 डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो इस तरह आपके पास क्या आ जाएगा, एक एंगल आ जाएगा ईच। थैंक यू सो मच।